अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा है ब्रुसेला एबॉट्स S19 प्रति वैक्सीन पर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। आइए देखते हैं यह हाल के दिनों में चर्चा में क्यों हैं। 22 सितंबर 2020 को आभासी मंच के माध्यम से ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ब्रुसेला एबॉट्स S19 प्रति वैक्सीन पर एक प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौता समारोह आयोजित किया गया। आइए देखते हैं ब्रुसेलोसिस के बारे में। ब्रुसेलोसिस दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण जूनोटिक रोगों में से एक है और यह बीमारी भारत में भी स्थानिक है। इससे गर्भपात पशु के कमजोर बच्चे का जन्म और कम उत्पादकता के कारण डेयरी उद्योगों को आर्थिक नुकसान पहुंचता है। भारत में ब्रुसेलोसिस रोग के नियंत्रण के लिए काफ फूड टीकाकरण के रूप में ब्रुसेला एबॉट्स S19 स्ट्रेन का उपयोग किया जाता है। ब्रुसेला एबॉट्स S19 स्ट्रेन एक बहुत मजबूत प्रतिरक्षा जनक है जो पशु को आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आइए देखते हैं ब्रुसेला एबॉट्स S19 स्ट्रेन की कुछ खामियों के बारे में। हालांकि इस वैक्सीन के स्ट्रेन में कई खामियां हैं, जैसे मानव एवं पशुओं में अवशिष्ट वायरल के प्रसार का खतरा बना रहता है, वयस्क पशुओं के लिए यह टीकाकरण उपयुक्त नहीं है, गर्भधारित पशुओं में इस टीके के इस्तेमाल होने पर गर्भपात का खतरा बना रहता है, इस टीके से नैदानिक संक्रमण के सिरोनिदान में भी हस्तक्षेप होता है। आइए देखते हैं ब्रुसेला एबॉट्स S19 का एक संशोधित स्ट्रेन। उपयुक्त में से कुछ कमियों को दूर करने के लिए ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के द्वारा ब्रुसेला एबॉट्स S19 का एक संशोधित स्ट्रेन विकसित किया गया है। आइए देखते हैं ब्रुसेलोसिस नेटवर्क प्रोग्राम के बारे में। ब्रुसेला एबॉट्स S19 के इस संशोधित स्ट्रेन को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित ब्रुसेलोसिस नेटवर्क प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। ब्रुसेला एबॉट्स S19 स्ट्रेन को संशोधित करने की प्रक्रिया में जीव के लिपोपोलीसेकेराइड संरचना को विलोपन उत्परिवर्तन के माध्यम से बदल दिया गया था। इस विकसित स्ट्रेन को ब्रुसेला एबॉट्स S19 नाम दिया गया। इस वैक्सीन क्षमता का मूल्यांकन प्रायोगिक आधार पर छोटे पशुओं में और भैंसे के बछड़ों में किया गया है। पशुओं में मुंहपका व खुरपका और ब्रुसेलोसिस बीमारी के टीके के लिए 13,343 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। पशुओं की सुरक्षा के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसे नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 53 करोड़ जानवरों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें 1.5 करोड़ गाय एवं भैंस शामिल होंगे। आइए देखते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में अवस्थित है। यह पशु चिकित्सा एवं संबद्ध शाखाओं के क्षेत्र में भारत की प्रमुख उन्नत अनुसंधान सुविधा प्रदान करता है। इस संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन है। वर्तमान समय में संस्थान में 157 शोध एवं 44 सर्विस परियोजनाएं चल रही हैं। यदि आपको अचीवर्स आईक्यू के द्वारा दी गई जानकारियां यूजफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।